हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर गुड एंड फाइन। सो गाइस, अभी हो रहे हैं टाइम दोपहर के 12 और हम आए हुए खेतों में। आप पीछे देख ही रहे होंगे। तो गाइस, हम खेतों में इसलिए आए थे क्योंकि ये खेत है, मामा के हैं, तो उनका कुछ सरसों का काम है क्योंकि सरसों का सीज़न चल रहा है ना, तो वो लोग सुबह से इधर थे। तो मैं और इंतु आए थे, हम किसी व्हीकल से नहीं आए थे, अपने स्कूटी वगैरह खड़ी थी, हम ऐसे ही आए थे पैदल टहलते हुए। मन कर रहा था, यहाँ पे सरसों का काम चल रहा है ना, तो अब उनका बिकने का सीज़न है, कटाई वटाई का, तो मामा और मामी इसलिए सुबह से आ गए थे। जो ये लोग हैं सामने, ये लोग सरसों काट रहे थे सुबह से, मामा की और मामा मामी। अखलाक भी हमारे साथ आया था, वो उधर बैठे खाना खा रहे थे अभी। सो गाइज, मैं ना काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था इधर ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा मतलब पहले शायद देखा ना हो, इस वजह से मैं सोच रहा था गांव आए तो क्यों ना। और वैसे ये जो खेत हैं ये दूसरे गांव में, तो इसलिए हम आए थे। सो गाइस, वो रही सामने झोपड़ी, उसे गांव में बोंगा कहते हैं। मैं एक सेकंड जूम करता हूं, तो वो काफ़ी डरावनी सी लग रही थी, तो उसमें जाने का मन कर रहा है, तो इन तो और मैं जाके देखेंगे उसमें क्या है। तो गाइस, लिटरली ये काम बहुत मेहनत का है। धूप में ये लोग सुबह से लग जाते हैं और काटना स्टार्ट करते हैं, और पता नहीं कितने बजे तक काटते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। गाइस, इधर एक मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा, पर ये लोग कैसे काम करते होंगे। गाइस, ये रास्ता कितना मस्त बना हुआ है, इधर भी खेत, बीच में एक पतला सा रास्ता, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गए। गाइस, ये झोपड़ी हमें तो लगा पता नहीं इसमें क्या होगा काम का, जैसा है तो भैंस का चारा है बस, और कुछ नहीं है। अंदर जा नहीं रहा मैं, कुछ सांप वाप ना हो इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली निकल ही आते हैं इनके अंदर। ऐसा लग रहा है स्नो वाइट में, जैसे विच का घर होता है ना ऐसा। गाइस, ये देखिए कितना मस्त है, ये कुआ है, ये बोरवेल है, ये इनके लिए, जो ये खेत है इनके लिए डायरेक्ट पानी का, और ये है इधर की नहर जिसमें से पानी खींचा जाता है। ज़्यादा गहरा नहीं है, मुझे लगा काफ़ी गहरा कुआ होगा, ठीक ठाक ही है। गाइस, नीचे चलते हैं, मन कर रहा है नीचे जाने का। सो गाइस, नीचे तो आ गए। सबसे मस्त पार्ट है इस वाले एरिया का, जो इधर से साइडों से पेड़ है ना, और बीच में नहर है, थोड़ी डीप सी है, और जो कवर करके जो शेडो आ रही है ना, बहुत मस्त लग रहा है, अलग लेवल का एकदम। सो गाइस, हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है आगे, तो वापस उधर ही चलते हैं जहाँ से आए थे। तो गाइस, पीछे जा चुके हैं, आगे ज़्यादा जा नहीं रहे क्योंकि हमें पता नहीं क्या है, तो अब सामने चलते हैं। सामने क्योंकि सामने से ही आगे उधर जाने का रास्ता है, तो फिर खेत में जाके मिल जाता है वो। इंतु को ज़्यादा जल्दी है जाने की, इतनी तेज तेज चल रहा भाई, मेरे लिए भी वेट कर ले, रुक जा। इस नहर में आने का एक तो खतरा है, ये देखिए कांटे इतने पड़े हैं, मेरी लोअर में अटक गया, निकाल देता हूँ। बड़ा ढीठ कांटा ही निकल नहीं रहा। सो गाइस, ये है वो कांटा जो मेरी लोअर में अटक गया था, बड़ी मुश्किल से निकला, घुस भी गया थोड़ा सा हाथ में। इन तो आगे से है रास्ता, आगे से किधर है? राइट साइड चलो। अच्छा ठीक है, आगे से राइट जाना है गाइस, उसके बाद फिर खेत में जाके मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में फंस गए, बहुत गर्मी है गाइस, जाते ही पानी पीऊँगा, जूतों में आना चाहिए था, चप्पलों में आया हूँ। आ गए मामी, कुछ भी नहीं था उसमें, तो वो था भैंस का चारा भरा हुआ था। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं गांव में, बाइक पे जा रहे हैं हम तीनों, और अखलाक चला रहा है बाइक क्योंकि गांव में नमाज पढ़नी है, अजान हो गई तो नमाज पढ़ के आ जाते हैं।
सो गाइज मैंने नमाज पढ़ ली, इन तो अखलाक अभी बिजी हैं। जितना वो बिजी हैं तो मैं आपको एक अंकल से मिलाना चाहता हूँ। सामने अंकल है, वो गुब्बारे बेचते हैं बच्चों के लिए, तो उनका कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अगर आपको वो कहीं भी मिले तो आप सपोर्ट करना। गाइज अंकल इतने अच्छे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनसे 4 गुब्बारे लिए, वो तब भी मुझे देने के लिए रेडी हैं। अंकल आप कह दीजिए कि ज़रूर आपका कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा मेरे सब्सक्राइबर्स में से। ठीक है अंकल, कई बलून दे दिए उन अंकल ने, मैंने तो 3-4 ही मांगे थे। ईद उस नेबर हमजा खुश हो जाएंगे जब उन्हें दिखाऊंगा। जितने भी सामने घर हैं हमारे नाना के हैं, जितने भी हमारे नाना के भाई थे वो भी तो हमारे नाना ही लगे, तो वो उनके घर हैं। सो गाइस फाइनली वो आ गया अपना ट्रैक्टर, जल्दी से अब सरसों का जितना काम बचा है वो करके डन करके अब फिर घर चलते हैं। सो गाइज इधर से जितनी भी सरसों थी वो निकाली और सारी सरसों ट्रैक्टर में आ रही है एक्सट्रैक्ट होके। बाकी गाइज बहुत मेहनत का काम है, मैं बता नहीं सकता सही में। गाइज सरसों का पूरा काम हो चुका है, कुएं पे बैठ के वेट कर रहे हैं, मामा ट्रैक्टर लेके आएंगे थोड़ी देर में। और हम इसलिए इधर बैठे हैं क्योंकि गाँव गए थे पानी लेने, तो उनकी कॉल आ गई थी, तो तुम उधर ही मिल जाना, उधर एक कुआ है उस पर बैठ जाना, तो थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। बट गाइज सरसों की वजह से बुरी हालत हो गई, एकदम बहुत दर्द हो रहा है, घर जाके नहाऊंगा बस। गाइज ये आ गया अपना ट्रैक्टर, जल्दी से घर चलते हैं। अखलाक बता रहे हैं मामा को इतना अच्छा चलाना नहीं आता। गाइस अब आ रहे हैं मस्त मजे तो ट्रैक्टर में, हवा काफी मस्त लग रही है, पर इधर गड्ढे इतने हैं कि ट्रैक्टर उछल रहा है बार बार, तो पीठ में भी लग गई मेरी। सुनेब दिखाना, ओ कितनी बुरी तरह लगी है। कैसे लगी इदू, सुनेब के चोट कैसे लगी? बुरी तरह लग गई। गाइस बुरी तरह लग गई। गाइस मैंने नहा लिया है, ना कि काफी मस्त लग रहा है, कूल कूल लग रहा है, पर जो हाथों में जलन थी वो कट पड़े थे सरसों की वजह से, वो गई नहीं। हो सकता है कुछ देर में खुद ही सही हो जाए। और जो बलून्स लाए थे बच्चों के लिए वो देते हैं। गाइज एक प्रॉब्लम हो गई, जो मैंने बलून्स लिए थे मुझे एक भी बलून नहीं मिला। मैंने अपनी पॉकेट में अच्छे से चेक किया लोअर की, मुझे ऐसा लग रहा है जब हम ट्रैक्टर में आ रहे थे तो ट्रैक्टर काफ़ी थोड़ा हिल रहा था, गड्ढे आ रहे थे बीच में, इस वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं झटके से लोअर से निकल के वो ट्रैक्टर में ही रह गए हैं। ईदू जो मैंने आपके लिए बलून्स लिए तो वो तो खो गए, अब आप किससे खेलोगे बताओ? तो आप किससे खेलोगे? और लूंगा मैं बलून। तो शाम में चलें फिर बलून लेने? हां मैं चलूंगा बलून लेने। ठीक है तो शाम में चलते हैं बलून लेके, ठीक है ना? हमजा को नहीं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है हमजा को नहीं देंगे, ठीक है। सो गाइस अब हो रहे हैं टाइम रात के 9 और इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आपको बता नहीं सकता मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ आगे कंटिन्यू करने की मुझे में हिम्मत नहीं है। और वैसे आज ईदू ने कहा था मुझे भी लॉकड्राउन में, तो इसे भी ले लिया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।